नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अक्सर बूढ़े पुरुष और महिलाएं उम्र ढलने के बाद अपनी जरूरतों को कम करने लग जाते हैं। यह इसलिए क्योंकि कई बार उन्हें अपने बच्चों से ही रुपए मांगने में अच्छा नहीं लगता है, जिस कारण वे जितना मिलता है उसमें ही संतुष्टि करके रह लेते हैं। शरीर से कमजोर होने के कारण वृद्ध जन कुछ काम करके पैसे कमाने में भी असमर्थ होते हैं, लेकिन पास में रुपए होना एक इंसान को स्वाभिमान और आत्म मजबूती से भर देता है। इसलिए बाकी के उम्र के लोगों की तरह समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्ध जनों को सम्मान के साथ जीवन जीने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पेंशन देते हैं। बिहार सरकार के इस पेंशन योजना का नाम मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना है। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि इस योजना के तहत बूढ़े लोगों को पेंशन के रूप में कुछ रुपए मिलते हैं, जो कि हर एक महीने इनके नाम से खुले बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। अगर आप भी अपने परिवार के बूढ़े बुजुर्गों को इस योजना का लाभ दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि वृद्ध जन पेंशन योजना के बारे में सारी जानकारियों को, ताकि आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल या फिर इससे ऊपर के सभी बूढ़े महिला और पुरुषों को पेंशन मिलता है। इसके लिए कोई आरक्षण वगैरह नहीं है, यह सभी बुजुर्गों के लिए समान है। योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले यह बात जरूरी है कि लाभुक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना में दो कैटेगरी में रुपए मिलते हैं। पहले कैटेगरी में 60 साल या इससे ऊपर के उम्र से लेकर 79 वर्ष के बूढ़े लोगों को 400 रुपए हर महीने मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी में 80 साल या इससे अधिक के उम्र के वृद्ध जनों को हर महीने 500 रुपए मिलते हैं। ये रुपए डीबीटी के माध्यम से हर महीने इनके बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। पेंशन का लाभ लेने वाले बूढ़े लोगों को आवेदन फॉर्म में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और उनके आधार नंबर से लिंक हुआ एक बैंक अकाउंट होना बेहद जरूरी है, तभी ये वृद्धा पेंशन के रुपए मिलेंगे। आपको बताते चले कि आप भी अगर अपने परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन दिलवाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप https://www.sspmis.bihar.gov.in के लिंक को गूगल पर खोले। यहां से आप रजिस्टर फॉर MVPI टैब को खोले। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें लाभुक का आधार वेरीफाई करना होगा। यहां लाभुक वृद्ध लोग का वोटर आईडी कार्ड नंबर, आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम आदि पूछी गई जानकारियों को भर के वेरीफाई कर ले। इतना होने के बाद अब मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस ऑनलाइन फॉर्म में लाभुक बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा, जिसके सभी जानकारियों को सही सही भर दे। उनका स्थायी पता आधार कार्ड में दिए हुए पते की तरह ही सही सही भर दे। उसके बाद बैंक डिटेल्स भर दे। बैंक का ब्रांच बिहार में ही होना चाहिए। इतना सबमिट करने के बाद बुजुर्ग लाभुक के 5 डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, आधार कंसेंट दस्तावेज, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो की स्कैन्ड कॉपी को अटैच करना होगा। उन्हें अटैच कर दे। इसके बाद एग्री करके आप फॉर्म को एक बार जांच ले, उसके बाद फाइनल सबमिट कर ले। इसके बाद यह फॉर्म ब्लॉक में जाकर वेरीफाई करवा ले। बताते चले कि इस फॉर्म को ऑफलाइन मोड में भी भरा जा सकता है, जिसके लिए आपको ब्लॉक में जाकर भरना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।